नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने टेंशन को कम कर सकते हैं, माइग्रेन के दर्द को कम कर सकते हैं और अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम। पहले अपने सर पे ऐसे उंगली रखनी है, उसके बाद ये तीन उंगली को ऐसे आँखों पर रखना है और ये अंगूठे को देख लीजिए, पहले सर पर रखना है, फिर तीन उंगलियों को आंखों पर रखना है, उसके बाद कानों पर रखना है। ऐसे रखकर आपको तेज सांस लेनी है। तेज सांस लेने के बाद ओम, मन ही मन में, मुंह से नहीं बोलना, मन में बोलना है और हल्की सी आवाज़ नाक से आएगी और ओम बोल के सांस को छोड़ना है। उसके बाद वापस इसे यूं पकड़ के ऐसे करके सांस लेना है और फिर बोलना है तो आप समझ गए। पहले ऐसे उंगली रखना है, फिर ये तीन उंगलियों को आंखों के ऊपर रखना है, उसके बाद कानों को दबाना है और फिर तेज सांस लेना है और फिर मुंह बंद करके ओम बोलना है। ओम बोलते वक्त सांस बाहर निकलेगी। अब मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में करके। सांस ले ली मैंने अंदर, अब मैं ओम बोलूँगा। ओम सांस बाहर जाने के बाद फिर वापस से सांस लेनी है और फिर ओम बोलते हुए छोड़ना है। ऐसे आप 4-5 बार करेंगे तो आपको तनाव मुक्त रहेंगे। अगर आपको माइग्रेन का दर्द है वो आपका कम होगा। अगर आपको रात को नींद ठीक से नहीं आती वो आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आपको टेंशन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है या कोई भी आपके परेशानी रहती है, थकान रहती है, वो आपकी दूर होगी। साथ में ये आँखों के लिए भी बहुत फायदे की चीज़ है, इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ती है। तो ये आप करेंगे 4-5 बार अगर दिन में सुबह उठने के बाद, तो फिर इससे आपका सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आपको टेंशन नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, आपको रिलैक्स रहेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, आशा है आपको मेरे इसके प्राणायाम के द्वारा कुछ फायदा हुआ होगा। अब एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। ऐसे आपको 3-4 बार करना है। अगर ज़्यादा बार कर सकते हैं तो ज़्यादा बार, आपके पास टाइम जितना है, लेकिन 4-5 बार करेंगे तो इससे आपको अच्छा लगेगा।